बड़ी खबर आ रही है उसे भी रूबरू करा देते हैं आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया, बड़ा फैसला लिया मुख्यमंत्री ने। 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को अब 351 करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। पर्यटन सेक्टर के लिए राहत उपायों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। रीको के माध्यम से उद्योगों को 220 करोड़ की राहत दी जाएगी। होटल एवं टूर ऑपरेटर्स को SGST से यहां पर राहत मिलेगी। शहर में सिटी बस ऑटो संचालन का सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, एक बड़ा फैसला, अहम फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है, विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे इस फैसले को लेकर। बिल्कुल श्वेता, आपको ध्यान होगा लॉकडाउन के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे करीब 35 लाख परिवार जो की BPL श्रेणी में आते हैं या जिनको BPL स्टेट BPL अंत्योदय और जो भवन एवं अन्य जो श्रमिक है जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे बिल्कुल निराश्रित है, असहाय है, स्थित वेंडर्स है या अन्य जरूरतमंद परिवार है, उनको लॉकडाउन के दौरान 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। अब उन्हीं परिवारों को 1000 रुपए और अनुग्रह राशि देने का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है, यानी कि करीब 35 लाख परिवारों को ये राशि मिलेगी और सरकार करीब 351 करोड़ रुपए इस पे खर्च करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन सेक्टर के लिए भी राहत उपाय है उनको देने का फैसला किया है, कैबिनेट ने आज मोहर लगाई है। साथ ही रीको के माध्यम से उद्योगों को करीब 220 करोड़ रुपए की राहत देने का फैसला किया है। जो होटल और जो टूर ऑपरेटर है उनको SGST में राहत देने का फैसला किया है, क्योंकि पहले जो SGST की प्रतिपूर्ति की जो अवधि है वो 3 माह बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इसे 1 साल बढ़ा दिया गया है। साथ में अगर जो सेवा शुल्क और जो आर्थिक किराया है वो अगर एक मुश्त जमा कराए जाते हैं तो ऐसे उद्योगों को ब्याज में 100% छूट मिलेगी। रिको का जो राहत पैकेज रहता उससे करीब 29,000 परिवार है उनको सीधा लाभ मिलेगा। एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है कि अब तक जो सिटी बस और ऑटो संचालन नहीं हो रहा था उनको चलाने का फैसला किया है, यानी अब शहर में सिटी बस भी चलेगी और ऑटो रिक्शा भी चलेंगी। एक और जो महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि विधायक है वो स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से प्रतिवर्ष करीब जो 2 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अगले 2 साल तक चूंकि चिकित्सा सेवा में दी गई थी, ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने फैसला ये किया है कि 1 करोड़ रुपए लगभग जो है और इसके अलावा 1.25 करोड़ रुपए है वो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खर्च कर सकेंगे, यानी कि विधायकों को करीब 1.25 करोड़ रुपए की जो राशि स्थानीय आवश्यकताओं पर खर्च करने की छूट दी है। तो ऐसे में ये विधायकों ने लगातार मांग की थी और इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसका अनुमोदन कर दिया गया है। आज मंत्रिपरिषद है, उन्होंने भी उनका अनुमोदन कर दिया है। साथ में ये भी बताया गया है कि जो कोविड में जो जरूरतमंद है उनको करीब 5500 करोड़ रुपए की कुल आर्थिक सहायता प्रदान की है। नरेश, बिल्कुल ये बड़े फैसले लिए गए हैं और अहम बात ही कि इम्प्लीमेंट कब से होंगे, खासतौर से शहर में जो सिटी बस ऑटो संचालन का सरकार ने फैसला ले लिया है, ये इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जब आदेश अब जारी हो चुका है तो अब परिवहन विभाग है और जो स्थानीय जो अब कह सकते हैं एजेंसी है वो जल्द ही इस बारे में गाइडलाइन अलग से जारी कर देंगी। वैसे चूंकि मंत्रिमंडल का फैसला हो गया है तो संभवतया अब इसके बारे में अलग से दिशा निर्देश है वो जारी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए सिटी बस और जो ऑटो रिक्शा के बंद होने से परिवहन को लेकर कई तरह की जो समस्या है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा था, तो लगातार ये मांग हुई। बिल्कुल बिल्कुल नरेश, और इससे एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी, इंतजार यही था कि कब ये बड़ा फैसला लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और कैबिनेट की बैठक में ये बेहद अहम फैसले लिए गए हैं जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया आपका नरेश इस पूरी बातचीत के लिए।